हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच होती क्या है और उसको यूज़ कहाँ किया जाता है। तो फिगर ऑफ स्पीच नॉर्मली हमारी बातों में, पोएम में और बॉलीवुड के तो लगभग हर सॉन्ग में कोई ना कोई फिगर ऑफ स्पीच आप लोगों को मिल जाएगी। फिगर ऑफ स्पीच हम बातों को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए यूज़ करते हैं ताकि उसे सुनने में और ज़्यादा इंटरेस्ट आए, और पोएम में इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि पढ़ने वाले को मज़ा आए, है ना। नॉर्मली हमारे लेसन्स में फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ नहीं होता है, पोएम में यूज़ होता है। तो फिगर ऑफ स्पीच का हम एक एक करके सारे टाइप्स पढ़ लेते हैं, उसके साथ एग्जांपल भी देख लेंगे। चलिए देखते हैं। पहला टाइप है सिमिली। सिमिली इज़ यूज टू कंपेयर वन थिंग अगेंस्ट अनदर। सिमिली क्या किस लिए यूज़ किया जाता है? कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन सिमिली की पहचान हम लोग करते हैं ये दो वर्ड से, लाइक और एज। कंपेयर किया जाता है लेकिन ये दोनों वर्ड यूज़ करके। एग्जांपल देख लेते हैं। ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, ठीक है। वो ऑक्स जितना स्ट्रॉन्ग है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, वो चीज़ रियल में होती ही नहीं है, पर इस तरीके से उसको कंपेयर किया गया है, ठीक है। तो एज का वर्ड यूज़ किया गया है, इसलिए यहाँ पर ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वॉचिंग द शो वॉज लाइक वॉचिंग ग्रास ग्रो। यहाँ पर भी कंपैरिजन है, कंपेयर किया गया है, लेकिन वर्ड कौन सा यूज़ किया गया है? लाइक का वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, दे फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है। वो कुत्ते बिल्लियों जैसे लड़ रहे हैं। तो बोलते हैं ना हम लोग नॉर्मली किसी को भी बहुत ज़्यादा जो लड़ते हैं तो बोलते हैं ना, क्या जंगली जैसा लड़ रहे हो। तो वो कुत्ते बिल्लियों जैसा लड़ते हैं, वो रियल में नहीं है, लेकिन कंपेयर किया गया है वो कौन सा वर्ड यूज़ करके? लाइक का वर्ड यूज़ करके। That boy in my class is as funny as a clown. यानी वो इतना ज़्यादा फनी है, किसके जैसा? क्लाउन जैसा। कंपेयर किया गया, ठीक है। वर्ड कौन सा यूज़ किया गया है? एज। तो ये सारी फिगर ऑफ स्पीच कौन सी हो गई? सिमिली हो गई। आप लोग को सॉन्ग, बॉलीवुड का कोई भी सॉन्ग सिमिली में तो मिल ही जाएगा आराम से, है ना। अगर मिलता है तो कॉमेंट सेक्शन में सिमिली का एग्जाम्पल मुझे किसी सॉन्ग से दीजिए। सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। मेटाफर इज़ एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन। मतलब मेटाफर और सिमिली में दोनों में कंपेयर किया जाता है, बट सिमिली में एज और लाइक का वर्ड यूज़ किया जाता है और मेटाफर में ऐसा कोई भी वर्ड यूज़ नहीं किया जाता है। तो ही इज़ अ शाइनी स्टार, मतलब इसमें डायरेक्ट उसको वही बता दिया जाता है। जैसे यहाँ पर बोल दिया ही इज़ अ शाइनी स्टार, वो शाइनी स्टार है बोल दिया है ना। लेकिन हम लोगों को पता है कि वो रियल में स्टार तो नहीं हो सकता, तो ये भी क्या है? एक तरीके का कंपैरिजन है, पर इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, ठीक है। द स्नो इज़ अ वाइट ब्लैंकेट, यानी यहाँ पर एज और लाइक का वर्ड यूज़ नहीं किया जाता है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। द चिल्ड्रन आर फ्लावर्स, तो इस तरीके से ये हो गया मेटाफर। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा क्लियर है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या है? एलिट्रेशन इज़ अ रेपिटेशन ऑफ लेटर और साउंड। किसी भी साउंड का या किसी भी लेटर का बार बार उसको रिपीट किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? एलिट्रेशन कहा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखना है, वो जो लेटर है वो बिगनिंग में ही हो सकता है, यानी कि फर्स्ट लेटर ही हो सकता है। अगर बीच का कोई लेटर रिपीट हो रहा है तो वो एलिट्रेशन नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। पीटर पापर पिकल पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पी 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 सब में रिपीट हो रहा है ना, तो ये हो गया एलिट्रेशन। शीप शुड स्लीप इन अ शेड, एस का वर्ड रिपीट है, ये भी एलिट्रेशन हो गया। लेकिन ये ध्यान में रखना है, यहाँ पर दो से ज़्यादा बार रिपीट होगा तो भी एलिट्रेशन होगा, या दो बार भी अगर कोई अल्फ़ाबेट या लेटर रिपीट हो रहा है तो एलिट्रेशन होगा, ठीक है। ये नहीं देखना है कि यहाँ पर ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ है तो इसलिए ये एलिट्रेशन है, अगर टू टाइम्स भी रिपीट हुआ तो भी एलिट्रेशन होगा, ये एलिट्रेशन है, ठीक है, क्लियर है ना। पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन है एनिमल्स, बर्ड्स एंड थिंग्स आर कंसिडर्ड एज अलाइव। मतलब किसी नॉन लिविंग थिंग को ऐसा जताया जाता है जैसे कि वो जिंदा हो, उसके अंदर जान हो, तो वो पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई। लाइटनिंग डांस्ड, डांस करना किसकी क्वालिटी? वो ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी है, राइट। वो लाइटनिंग डांस
नहीं कर सकती है, लेकिन इस तरीके से बातों को इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव जताने के लिए ऐसा वर्ड यूज़ किया जाता है। तो लाइटनिंग डांस अक्रॉस द स्काई, तो यहाँ पर ये हो गया पर्सोनिफिकेशन। माय अलार्म क्लॉक येल्स एट मी, यानी इस तरीके से बोल दिया गया कि क्लॉक जो है वो येल करती है, विच इज़ नॉट करेक्ट, वो ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी है। इसलिए ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हो गई, पर्सोनिफिकेशन, क्लियर है। नेक्स्ट एपेस्ट्रॉफी क्या होता है, एड्रेसिंग समवन एब्सेंट, डेड और नॉन ह्यूमन। पर्सोनिफिकेशन और एपेस्ट्रॉफी में कंफ्यूज नहीं होना है। पर्सोनिफिकेशन में भी नॉन लिविंग थिंग को इसमें क्या किया जाता है, उसकी कोई क्वालिटी बताई जाती है, ठीक है। और एपेस्ट्रॉफी में एड्रेस किया जाता है, एड्रेस किया जाना यानी उससे बात की जाती है, ऐसा जताया जाता है कि वो हमारे सामने है और हम उससे बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, यानी स्टार से बात कर रहा है ना, ये हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन कभी ये देखा कि इसमें ये फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, एपेस्ट्रॉफी, क्यों, क्योंकि स्टार से बात कर रहे हैं, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, है ना, स्टार से पूछ रहे हैं व्हाट यू आर, इसलिए यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच हो गई एपेस्ट्रॉफी। हेलो डार्कनेस माय ओल्ड फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग पोएट जो है वो किससे बात कर रहा है, डार्कनेस से, अंधेरे से बात कर रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, वो ह्यूमन नहीं है, है ना, डार्कनेस वो नॉन लिविंग थिंग है, तो लेकिन फिर भी उससे बात कर रहा है पोएट इंटरेस्टिंग जताने के लिए, तो इसलिए कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हो गई, एपेस्ट्रॉफी, क्लियर है। नेक्स्ट है हाइपरब्ली। हाइपरब्ली में क्या होता है, हाइपरब्ली की मीनिंग पहले आप लोगों देख लीजिए। यहाँ पर हाइपरब्ली होता है एक ग्रीक वर्ड है, हाइपरब्ली एक ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है एक्सेस। एक्सेस मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा, उसको एक्सेस कहा जाता है। तो इसी से ही हम लोग लिंक करके सीख सकते हैं कि हाइपरब्ली का क्या मतलब होता है। हाइपरब्ली का मतलब होता है जब बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को, जो रियल में पॉसिबल नहीं है, उतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है, तो वो फिगर ऑफ स्पीच हाइपरब्ली हो जाती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही इज़ रनिंग फास्टर देन द विंड। पॉसिबल है हवा से ज़्यादा तेज़ भागना, नहीं पॉसिबल है ना, बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है, इसलिए कौन सी फिगर हो गई, फिगर ऑफ स्पीच हो गई हाइपरब्ली। दैट मैन इज़ एज टॉल एज अ हाउस, दैट मैन इज़ एज टॉल एज अ हाउस। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दो फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है, एज का वर्ड आया है इसलिए सिमिली का भी यूज़ हुआ है, और इसके अलावा यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है, हाउस के इतना टॉल मैन नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये फिगर ऑफ स्पीच हो गई हाइपरब्ली, ठीक है, क्लियर है। मैंने लगभग आप लोगों को सारी फिगर ऑफ स्पीच सिखा दी है, अगर कुछ रह गया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए ताकि मुझे अप्रिसिएशन मिले और मैं इस तरीके से आप लोगों के लिए और वीडियो बनाती रहूँ। चल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।